कोटा के छावनी भोई मोहल्ले में दिनदहाड़े एक महिला की सरेराह हत्या कर दी गई। पड़ोसी ने ही महिला के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया और गला रेत महिला की हत्या कर डाली। महिला कमलेश कुमावत इलाके में मेट का काम भी करती थी। जब वो किसी के मकान से काम करके वापस अपने घर लौट रही थी, इसी दौरान रास्ते में पड़ोसी युवक वीरू ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया। महिला की सरेराह हत्या करने के बाद आरोपी शव के पास खड़ा होकर चाकू लहराता रहा। पुलिस ने आरोपी वीरू को राउंड अप कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुछ महीनों पूर्व आरोपी की बहन घर से चली गई थी। आरोपी को शक था कि मृतका कमलेश कुमावत ने उसकी बहन को घर से भागने में मदद की। इसी बात को लेकर करीब 4 महीने से विवाद चला आ रहा था। वही है, दोनों पड़ोसी हैं, उनका कोई विवाद चल रहा था। वीरू की बहन कहीं भाग गई थी तो उसको शक था कि इस महिला ने जो उसको भगवाया है, इसलिए इनका काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था 3-4 महीने से। आज ये सुबह से घूम रहा था और मतलब इस महिला को जैसे ही घटनास्थल जो है इस पे वही मोहल्ले में ये जैसे गुजर रही थी अपने घर के पास है, तो सामने से वीरू आया और उसने चाकू से इस पे वार किए। कोटा में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वैध विस्फोटक और आतिशबाजी बरामद की है। जयपुर क्राइम ब्रांच एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के दौरान कोटा में 5 ठिकानों पर पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए की अवैध आतिशबाजी और विस्फोटक बरामद किए। कोटा सीआईडी सीबी एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील डिप्टी हर्षराज सिंह खरेड़ा समेत पुलिस के अधिकारी और बड़ी तादाद में पुलिस के जवान कार्यवाही में शामिल रहे। कोटा शहर के गुमानपुरा बुरखेड़ा तलवंडी ट्रांसपोर्ट नगर में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जहां अवैध गोदाम बनाकर भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी और विस्फोटक पदार्थ को रखा गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने फिलहाल अरविंद नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उसका पार्टनर महेश राठौर फिलहाल फरार हो गया है। बरामदगी हुई है यहाँ पर जो अवैध विस्फोटक, जो पूर्ण रूप से अवैध है, किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं है, और आतिशबाजी की जो सामग्री जो रखी गई है अपने आप में काफ़ी खतरनाक सामग्री है, जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है। इसको यहाँ बिल्कुल बिना किसी सुरक्षा के रखा जाना बहुत ही संगीन अपराध है। आज सीआईडी की जो सूचना पर सीआईडी के निर्देशन में एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, और कोटा शहर में 5 जगह ये कार्रवाई चल रही है, और देखने की बात है कि 5ों ही जगह पूर्ण रूप से इल्लीगल है और किसी तरह का इनके पास लाइसेंस नहीं है। 5ों जगह पर्याप्त मात्रा में काफ़ी संख्या में हजारों में कार्टून बरामद हो रहे हैं, जिनकी कीमत भी करोड़ों में है। कोटा के ताथेड़ पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने आई स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही बड़ा हादसा नहीं हुआ। पेट्रोल पंप कर्मी व चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को पेट्रोल पंप से दूर किया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गाड़ी में आग लगने की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घटना 5 अक्टूबर दोपहर की है। डेली फाटक निवासी गाड़ी मालिक एडवोकेट रंजीत सिंह ने बताया कि गाड़ी इसी साल जनवरी में ली थी। गुरुवार को छोटे भाई भूपेंद्र 80 वर्षीय दादाजी सूरत सिंह को लेकर कोटा से पोलई कला के लिए निकला था। रास्ते में बारा रोड पर ताथेड़ में डीजल डलवाने के पेट्रोल पंप पहुंचे तो अचानक गाड़ी के बोनट से धुआं उठने लगा और आग लग गई। कोटा के विज्ञानगर इलाके में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डीसीएम निवासी आरोपी समीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी समीर और मुख्य आरोपी शाहरुख के साथ मिलकर विज्ञानगर में फरीद नाम के व्यक्ति के बाहर फायरिंग की थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी समीर से पूछताछ कर रही है। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।